सो हे व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं रैपिडो, फिर से एक बार आपको रैपिडो वीडियो दिखने वाली है, बट आज थोड़ा चेंज है। अभी तक रोहित भाई चलाते थे रैपिडो और मैं चलाता था रैपिडो, बट आज चेंज ये है कि आज चलाएंगे रोहित भाई जोमेटो और तुम्हारा भाई चलाएगा रैपिडो। और ये हमारे पूरा गाड़ी वाले देख लो, सब लोग रेडी हो चुके हैं। और ये जो भाई है रोहित भाई के बैग हैं क्योंकि रोहित भाई जोमेटो चलाएंगे तो बैग की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको लेके आए हैं कि नहीं पकड़ने के लिए। तो चलो भाई फटाफट से अपना सब कुछ स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने अपना ये ऐप जो है आप लोग को दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। एंड रोहित भाई का दिखा देता हूँ, कहाँ है भाई तुम्हारा, ये इनका देखो, इनने अपना जोमेटो स्टार्ट कर दिया, मैं अपना रैपिडो स्टार्ट कर दिया हूँ। तो चलो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और वेट करते हैं राइड का। सो भाई लोग, ये हमारे रोहित ब्रदर, अभी यहाँ हम लोग को राइड नहीं मिल रही है तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं असीमा मॉल, क्योंकि वहाँ पर राइड मिलेगी। और यार अभी मैं अपनी पिछली वीडियो देख रहा था तो मैं सिर्फ असीमा असीमा कर रहा था, बट अभी जो है आपको थोड़ा वीडियो वगैरह में चेंजेस मिलेंगे। अभी मस्त जो अपन किसी को पिकअप करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ऑर्डर पिकअप करेंगे, ड्रॉप करेंगे, सारा कुछ दिखाने वाले हैं, फ़ोन में दिखाने वाले कैसे ऑर्डर आते हैं। और यहाँ भैया फ़ोटो शूट चल रही है, ये का जो है फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है। और किससे है, बर्गर किंग से है? तो इनका जो फर्स्ट ऑर्डर बर्गर किंग से है, तो ये लोग जा रहे हैं। तुम्हारे भाई के पास अभी राइड नहीं आई है, ये देख सकते हो हमारा ऐप। अभी हमारे पास एक राइड आई थी 8 किलोमीटर की, मैंने वो कैंसिल कर दी क्योंकि ज़्यादा लंबा जाने के बाद मेरे को उधर से रिटर्न राइड नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कैंसिल कर दिया। रोहित भाई जाओ जाओ अपना जंग जीत के आओ, ऑर्डर लेके आओ। तो भाई साहब आज हम लोग आए 5:30 बजे, लेकिन तब से हमें एक भी राइड नहीं आई है, जस्ट अभी एक राइड आई आप लोग देख सकते हो। मुझे औरा मॉल छोड़ना है भाई को, तो समझो मैंने जो ये काम है 7 बजे स्टार्ट करा, मतलब 1.5 घंटे से कोई भी राइड नहीं आई थी, जस्ट अभी एक राइड आई है। चलो फटाफट से भाई को पिकअप करते हैं और औरा मॉल ड्रॉप करते हैं। भाई भैया का फोन आ चुका, चलो उठा के बोल। हेलो, हाँ भैया, हाँ जस्ट उसके सामने ही खड़ा हूँ, एक सेकेंड। कहाँ जाएंगे भैया? ठीक है, ये बहुत सही चीज है यार। हाँ क्या है? 7745 7745। ठीक है चलिए, रास्ता मालूम है भैया आपको? ठीक है बैठिए, चलो इसमें क्या रहता ना भैया, मैं मेन यही करता हूँ ब्लॉगिंग के लिए ही। अरे नाम से करते ब्लॉगिंग बताओ। अतुल अग्निहोत्री। अतुल अग्निहोत्री, हाँ भैया, हाँ हाँ जरूर जरूर भैया। अभी क्या है इसी में कंटेंट बना रहे हैं हम लोग। अच्छा। क्या होता है जैसे स्टार्टिंग में भैया नॉर्मल ब्लॉगिंग में व्यूज नहीं आते, लेकिन इनको लोग बाग देखते हैं, इनमें आते हैं व्यूज, नॉर्मल में नहीं आते मोटो ब्लॉगिंग में। अभी इसलिए अभी इसको भी करते हैं और वो भी करते हैं मोटो ब्लॉगिंग में, मतलब नॉर्मल भी रामोल। एंड अभी भैया से अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा लिए हैं, ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़वाते रहेंगे धीरे धीरे, जो जो लोग मिलेंगे सबको अपना चैनल सब्सक्राइब करवाते रहेंगे। बाकी ये जो हमारी राइड आना स्टार्ट हुई 7 बजे से, ये फर्स्ट राइड है, तो चलो फटाफट से इसे ओरामोल में छोड़ते हैं। ठीक है एक सेकेंड भैया, ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप ही के सामने मैं सब्सक्राइब भी कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ भैया ठीक है, थैंक यू भैया, मिलते हैं। तो चलो गाइस, जस्ट भैया को यहाँ पे ड्रॉप किया हूँ, अब यहाँ हम लोग वेट करते हैं अपनी दूसरी राइड का। बाकी काफ़ी अच्छा लगा यार ऐसे बात करके भैया लोगों से, मैं पहले भी करता था बट आप लोग को दिखाता नहीं था। फिर मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे, बोले यार कैसा एकदम राइड बाइक पे चलती जा रही तेरी, पूरे ब्लॉग हो जाता, ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा दिखाया कर बातें बातें। तो मैं सोचा जो करता हूँ वो दिखाता हूँ अब आप लोगों को। और प्लीज़ यार सभी लोग कमेंट करो ये सब आप लोग को अच्छा लग रहा नहीं लग रहा बताओ मुझे। हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर आ चुका है, चलो इसे एक्सेप्ट करते हैं और उठाते हैं, इसके बाद चलते हैं ड्रॉप करने। ऑर्डर है शर्मा विष्णु फास्ट फूड गुलमोहर से, यहाँ से जाके अपन ऑर्डर पिकअप करते हैं, इसके बाद ड्रॉप करने चलते हैं। साहब मैं तो वो देख रहा था सामने ही है शर्मा विष्णु फास्ट फूड, चलो लगाते हैं यही गाड़ी भाई और देखते हैं कितना टाइम लगता है। हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है, तो फटाफट जाके ऑर्डर पिकअप करता हूँ।
आप हो 3637 हाँ चल रही यार यही सब टाइम लगेगा योटो योटो ये अंकल गाने क्यों बजा रहे हैं अंकल गाने क्यों बजा रहे हैं ये 3637 37 ठीक है थैंक यू चलो भाई ऑर्डर मैंने पिक कर दिया यहाँ हमारे अंकल जी गाना गा रहे हैं मस्त आप देख लो एकदम मस्त सुरीली आवाज में चलो फटाफट से अपन ऑर्डर ले लिए अभी से चलते ड्रॉप करने और क्या करते हो अच्छा रोहित हाँ अच्छा ये है मेरा देखो आप सब्सक्राइब कर दिया हूँ बताना कैसे लगते वीडियो कमेंट जरूर करना ठीक है थैंक यू सो मच भाई मिलते हैं क्या नाम है आपका अतुल अग्निहोत्री ठीक है ब्रो ठीक है चलो भाई लोग अभी हमारे वो जो भाई पीछे मिले हुए थे उनने भी क्या बोला मैं ऐसे गाड़ी चल रहा था बोलते भाई गाड़ी साइड लगाओ मैंने गाड़ी साइड लगाई तो बोलते हैं भाई आप ब्लॉगर हो यूट्यूब पे वीडियो डालते मैंने बोला हाँ भाई नाम वगैरह पूछा फिर बोला चैनल सब्सक्राइब कर ले तो मैंने बोला कर लो मैंने बोला चैनल सब्सक्राइब कर लो लेकिन भाई वीडियो देखो कमेंट करो और बताओ कैसा लग रहा है हेलो हाँ सर लोकेशन पे खड़ा हूँ भैया यहीं खड़ा था भैया आया उनसे पूछा नर्मदा किधर उन्होंने बोला उधर चले जाओ अभी मैं थोड़ा उधर चला गया था पहले सबसे पहले ठीक है ठीक ठीक जी जी ठीक ठीक है थैंक यू भाई 10 मिनट लेट हो गए थे इसमें इसका जो टाइमिंग दिया रहता है चलो फटाफट से नेक्स्ट राइड के लिए करें इतना सिंपल था यार मेरे को इधर ही आना था बट कोई नहीं हो जाता है हमारे पास दूसरा ऑर्डर आ चुका है और ये जो ऑर्डर है 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर का है और पहली बार मैंने 10 या 11 किलोमीटर का ऑर्डर लिया है तो चलो फटाफट से अपना ऑर्डर पिकअप करते हैं इसके बाद ड्रॉप करने चलते हैं मैंने एक काम अच्छा किया था कि स्वेट शर्ट पहन के आ गया था मुझे लग रहा था कि हल्की हल्की ठंड हो जाएगी बट यहाँ यार नाइट में ठंड इधर साइड हो गई मतलब हमारे साइड नहीं रहती इधर थोड़ा जंगल एरिया टाइप रहता है ज़्यादा पेड़ पौधे हैं इसलिए इधर थोड़ा ठंड ज़्यादा हो गई है बस अपना ऑर्डर देखते हैं कितना दूर है अभी यहाँ अपन को 1.8 किलो ना 550 मीटर का जाके फिर से लेफ्ट लेना है तो चलो फटाफट चलते हैं यार पे है चलो भैया को देखते हैं ऑर्डर लेते हैं फटाफट से अपना अभी मैं आया था बुंदेलखंडी चाट का ऑर्डर लेने लेकिन यहाँ भैया से मिलके बोल रहे काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो मैंने बोला यार हमारे लिए बना दो क्यों भैया तो अभी हम लोग बनवा रहे हैं मटर खस्ता और उसमें आलू टिक्की भी डालेंगे उसका प्राइस है 40 रुपये तो अगर आप लोग आस पास में हो तो यहाँ आ सकते हो कहाँ पर भैया दुकान आपकी ये अपना रोहित नगर फेज टू में है और भैया वो रहे काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो एक बार आके टेस्ट करो अभी हम लोग चेक करके बताते हैं कैसा है तो भाई लोग जस्ट ये हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है जब तक हम ये खाए पियेंगे इसके बाद हमारा ऑर्डर कम्प्लीट होगा चलो भाई मजा आ गया चाट खा के भाई साहब एक कटोरा भर के दिया भाई ने एंड कभी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा लेकिन पूरा पेट भर गया मतलब बता रहा हूँ कोई भूखा आए इनके पास और इनका चाट खा ले 40 रुपये का भाई पूरा पेट भर जाएगा उसका एंड चाट भी अच्छी थी यार इसमें थोड़ा और मीठा खट्टा और थोड़ी दही मिक्स कर देंगे ना भाई थोड़ी दही और मीठी चटनी भाई साहब ये बहुत डेंजर चाट हो जाएगी समझ लो एक नंबर बाकी अभी भी परफेक्ट थी जो इनका टेस्ट था थोड़ा अलग टाइप टेस्ट आया जैसे अपन नॉर्मली चाट खाते वैसा नहीं था तो ये काफ़ी अच्छा लगा बट उससे पहले अपन पेट्रोल डला लेते हैं पेट्रोल पंप में गई पेट्रोल वगैरह अपना ख़त्म ना हो जाए
120 ऑनलाइन कर रहे हैं। पेट्रोल डल के रेडी हो चुका है, अब अपन को कोई दिक्कत नहीं, तो फटाफट से अब निकल लेते हैं अपना ऑर्डर ड्रॉप करने के लिए। वैसे भी ऑर्डर की जो टाइमिंग दिया था उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, यहीं से मुड़ना है अपन को शॉर्टकट। देखो बाग सुनिया मार्केट की हाल ऐसा इसलिए है क्योंकि आज संडे है, संडे यहाँ पे लगता मार्केट, तो पूरा ऐसी रोड जाम रहती है, ऐसे रोड में हमको निकलना पड़ रहा। अब यहाँ से आई थिंक देखते हैं 4-5 किलोमीटर बचा होगा जहाँ हमें जाना है। सो भाई लोग लिफ्ट में आ चुका हूँ, 4th फ्लोर पे चलना है, तो चलो फटाफट से ऑर्डर डिलीवर करते हैं, इसके बाद आप लोगों से डायरेक्ट बाइक में मिलता हूँ। और ये लिफ्ट सुनसान है, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा, 3rd फ्लोर हो चुका है, 4th आने वाला है, तो चलो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, इसके बाद मिलते हैं। गलत चला गया था, ए में जाना था, बी में चला गया, और अभी मेरे हेलमेट को लग गई है बड़ी ज़ोर से, रुको दबाता हूँ, कितने नीचे नीचे है ना, ऐसे उधर से आ रहा था वहाँ भट से लगा हेलमेट में। ऑर्डर वगैरह दे के आ गया हूँ, अभी अपने दोस्त को फ़ोन लगा तो संजय मानिक को उससे पूछता हूँ, घर पे होगा जाऊँगा। कहाँ है? घर पे। अरे सुन, तेरे पास चार्जर है जो पहले मोबाइल में चार्जर लगते थे पहले, वो वाला मतलब सी टाइप से पहले वाला? हाँ आ रहा हूँ, रुक जा घर पे मिल। ये अपने संजय माणिक भाई ये गली में, संजय भाई ये घर थोड़ा ही आगे है बस, इधर हम तो आपको दिखाएंगे हमारे तरुण ब्रदर का घर और संजय भाई का घर। ये देखो आप, ये जो आसी ब्यूटी पार्लर ये हमारे तरुण भाई का है, और उसके आगे हमारे संजय भाई। हेलो 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 भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो? एक नंबर। रुक दिखा रहा हूँ, बाय बाय। चलो भाई संजय भाई से विदा लेते, मिलेंगे, आएगा मेरे इधर बता। चल ठीक है फिर, ठीक है बाय भाई। चलो भैया अपना फ़ोन जो है चार्ज हो चुका है 50%, अभी हम कर पाएंगे मतलब 11 बजे तक, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से चलते हैं जहाँ थोड़ी राइड वगैरह मिले। अभी एक राइड आई थी उसे एक अंकल ने कैंसिल कर दिया यार, मतलब मैं जैसे ही आई तुरंत कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्यों, बट कोई नहीं। लोग यहाँ पे हमारा जो फूड रेडी हो चुका है, उधर भैया ने भी आवाज़ दे दी, चलो यहाँ से उठाते हैं चल के। ठीक है, थैंक यू भैया। ये है फूड, इसे लेके जाना है हमें मिसरोद, फटाफट से इसे करते हैं प्रोसेस। होटल का जो उनका बिहेवियर था फ्रेंडली था। भैया ये गिरेगी तो नहीं बैग में रखूँगा तो? अच्छे से पैक है ना? ठीक ठीक। चलो भैया यहाँ से ले लिया हूँ अपना ऑर्डर, पिकअप कर लिया हूँ, अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। सबसे पहले अपन को होशंगाबाद रोड में चलना है, इसके बाद अपन को सीधे एकदम स्ट्रेट निकल जाना है मिसरोद के लिए, तो चलो मिलता हूँ आप लोगों से वहीं। साहब ये रास्ता आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? ये वही सुनसान रास्ता है जहाँ हम एक बार यहाँ ऑर्डर डिलीवर करने आए थे, और आज फिर हमें इसी रास्ते में बुलाया गया है, बस 240 मीटर और हमारा ऑर्डर हम डिलीवर कर देंगे। इधर नहीं भैया, सीधे है, शायद जो सामने वाली कॉलोनी दिख रही उधर ही है, तो चलो भैया 240 मीटर और लेके चलते हैं, फटाफट ऑर्डर डिलीवर करते हैं। 53 कर लो ना, आगे कर दूं अभी के अभी करना है सीधे, कितना यहाँ से? ठीक है 53 हाँ। ठीक है, इसे उठा तो लो, बाहर उधर खड़े हो रहा, अतो लग नहीं होती, जाओ। ठीक है चलो, पाड़ भैया को मोबाइल नंबर पूछना था बट पीछे से कार आ गई इसलिए उनको मुझे जाने देना पड़ा, नहीं तो जब तक मैं खड़ा रहता उनकी कार खड़ी रहती और फिर सोसाइटी वाले थोड़ा समझते हो ना, कहीं गुस्सा वुस्सा करने लगता तो गार्ड भैया को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने मुझे जाने दिया। बाकी मैंने अपना नंबर बता दिया, पार्सल बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। साहब ये मॉल में देखो क्या दिल बना के रख दिया भाई, देखो कितना मस्त लग रहा है दिल बना के, शायद 14 फेब को बनाए होंगे, कितना मस्त लग रहा है, आप लोग देखो बेहतरीन बेहतरीन। देखो इधर ऑर्डर तो आएगा नहीं, मिसरोद में बहुत कम ऑर्डर आते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों क्यों ना
क्यों ना मैं असीमा मॉल ही चल लेता हूँ, इधर थोड़ा सा समझो 10 रुपये का और पेट्रोल लग जाएगा, बट हमें वहाँ ऑर्डर मिल जाएगा, बढ़िया से ऑर्डर आ जाएंगे। इसलिए तुम्हारा भाई ये आ गया भाई, कहाँ 800 मीटर से ये ऑर्डर आ चुका है बर्गर किंग से, और हमें छोड़ना है दानिश नगर। तो क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया ऑर्डर पटक दिया स्विगी ने, अच्छा है। फटाफट चलते हैं बर्गर किंग, ऑर्डर उठाएंगे, इसके बाद दानिश नगर ड्रॉप करेंगे। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं आप लोग को बर्गर किंग में। तभी मैं अपना लास्ट ऑर्डर लेने आया था बर्गर किंग में, लेकिन मेरे GoPro एकदम बंद हो गया। अब पता नहीं इसकी बैटरी ख़त्म हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो अब घर जाके ही पता चलेगा। तो चलो अभी एक ऑर्डर ड्रॉप करके आया हूँ, बाकी एक और फिर से आ गया, इसको ले जाना हमें एम्स में, एम्स UG वॉइस हॉस्टल में ले जाना है, और यहाँ उठाना सामने बर्गर किंग से आप लोग देख रहे होंगे। तो फटाफट से हम लोग ये ऑर्डर उठाएंगे और इसके बाद निकल जाएंगे राइट एम्स। और यार मैंने सोचा था कि अब ऑर्डर नहीं करूँगा, अब अपना जो ऐप है इसको बंद कर दूँगा, लेकिन हमारे जो रोहित भाई हैं उन्होंने बोला थोड़ा उनको टाइम लगेगा कम से कम आधे घंटे, तो बोले और ऑर्डर लेते रहो। मैं सोचा यार क्या घंटे में बैठ के क्या करूँगा, इससे ऑर्डर लेता रहता हूँ। तो बस अभी काम चालू है, फटाफट से इधर से उठाएंगे और फिर निकल लेंगे। अब ये ऑर्डर रेडी हो चुका था, मैं गया भाई रेडी नहीं कर रहा था, मैंने बोला भैया फटाफट से रेडी कर दो यार, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, एंड उन्होंने फटाक से रेडी कर दिया। ऑर्डर लेके निकलता हूँ एम्स के लिए, आज वैसे भी थोड़ा अपना जो GoPro है बंद हो गया है, तो अपन को ये सब करना पड़ रहा है। गाइस अभी जस्ट मैं लास्ट ऑर्डर जो एम्स में ड्रॉप करा वहाँ पे हमें एक भाई मिल गया, और GoPro देख के पूछने लगा भाई क्या चैनल है क्या कुछ, तो सारा यूट्यूब के बारे में बताया, चैनल सब्सक्राइब कराया। इसके बाद वहाँ से डायरेक्ट निकल के आ गया हूँ रोहित भाई के पास। अब भाई रोहित भाई यहाँ पे है, और आज आपको अर्निंग दिखाने वाला हूँ रोहित भाई की और मेरी। आप लोग चौंक जाओगे यार, मेरे को 1.5 घंटे में एक भी ऑर्डर नहीं आया था, उसके चक्कर में आज बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो चलो आपको डायरेक्ट अर्निंग दिखाते हैं। भाई अपना जोमेटो ऑन करते हैं, जोमेटो में दिखाते हैं इनने कितने अर्निंग किया है। तो भाई ये रही 440 अर्निंग, 440 आज का इनका जो ऑर्डर की अर्निंग है। 7 ऑर्डर करे और 5.5 घंटे काम किया, 5.5 घंटे काम किया, 50 रुपये इंसेंटिव है, 50 रुपये इनको इंसेंटिव मिला, टोटल हो गए 490। हाँ अब इसमें तुम्हारा फ्यूल कितने का लग गया? फ्यूल लग गया अपना 150 रुपये का, 150 रुपये का, तो तुम्हारा 340 रुपये बचते हैं भाई, 340 रुपये बचे। अब दिखाता हूँ मैं आपको अपना, ये देखो हमारा हुआ 222 रुपये का, और 222 में हमारा 80 रुपये का क्या लग गया होगा भाई? पेट्रोल 150 रुपये, तो 150 रुपये समथिंग आज की जो मेरी अर्निंग हुई है, और वो भी 1.5 घंटे हमारा जो ऑर्डर बंद हो गया था, मतलब आया ही नहीं उसके चक्कर में। लोग चलो अब हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल रहे हैं, रोहित भाई करते हैं बाय बाय। रोहित भाई ये रोहित भाई के बैग, बाय बाय भाई। हाँ ये एम्बुलेंस जा रही है, भगवान जो भी हो उनको सही सलामत रखे। तो चलो भाई आज की वीडियो यहीं पे करते हैं, मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।